ये नॉनवेज आइटम का बाइट। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। तो फाइनली आपको आज हम घुमाने वाले हैं एक बेहतर सा रेस्टोरेंट अपने मुजफ्फरपुर शहर में, जहां पे आपको मिलने वाला है राजस्थानी कल्चर का मजा। तो चलिए आपको घुमाते हैं मुजफ्फरपुर के थाली महल में। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों जैसे ही एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत इंटीरियर डिजाइन बना हुआ है राजस्थानी कल्चर पे। तो मैं आपको और अंदर चल के दिखाता हूँ। जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा सावर लगा हुआ है और साथ में गणेश जी का मूर्ति है जो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस है चारों तरफ और सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी लंबा चौड़ा है। और जो वॉल पे जो डेकोरेशन रखा हुआ है, ये देख सकते हैं थाली महल नाम है। और यहाँ पे बहुत सारे कढ़ाई लगे हुए हैं और जो पिक्चर बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत है। और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो वॉलपेपर बने हुए हैं, यहाँ पे पेंटिंग बना हुआ है, बहुत ही जिंदा दिल पेंटिंग लग रहा है। यहाँ पे पिकॉक का है और यहाँ पे चाची का पेंटिंग लगा हुआ है। ये पेंटिंग कैसा लग रहा है? ये वाला पेंटिंग मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थानी कल्चर का सूप दौरा वगैरह लगा हुआ है। और मैं सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ दोस्तों, तो सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही आरामदायक है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग रूफ टॉप पे और देख सकते हैं रूफ टॉप भी बहुत ही बढ़िया है थाली महल का, जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह हर चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे खुला आसमान मिलेगा, साथ में यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम देख सकते हैं, चारों तरफ स्पीकर लगा हुआ है हर कॉर्नर पे, तो म्यूजिक भी धमासान होने वाला है। आप यहाँ पे बैठ के हुक्का का एंजॉय कर सकते हैं। और जो यहाँ का डिजाइन वगैरह है वो देख सकते हैं कितना बढ़िया है, नीचे देख सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया फोटो भी निकल के आएगा यहाँ से। वहाँ पे देखिए हैशटैग रूफटॉप लगा हुआ है, तो जिनको रूफटॉप में पार्टी वगैरह एंजॉय करने में मज़ा आता है वो थाली महल ज़रूर आए। फाइनली दोस्तों मेरे हाथ में ये मॉकटेल और इस मॉकटेल का नाम है माउंटेन मोजिटो। इसको टेस्ट कर, आप इसका कलर देख सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा खट्टा और इसमें जो पुदीना डाला हुआ है शायद वो, उसका भी टेस्ट आ रहा है। बहुत डीप ग्रीन है और बहुत ही खूबसूरत है। और ये है दोस्तों मेरे हाथ में मॉर्निंग सनराइज, और इसकी जो खूबसूरती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव कर रही है। और जो यहाँ के बना के देने वाले हैं मॉकटेल, वो इतना खूबसूरत बना के दिए हैं, आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। और इसके अंदर ऑरेंज है और साथ में ऊपर से मिल्क का कोई प्रोडक्ट है शायद, छाछ वगैरह। तो इसको टेस्ट करते हैं, पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। जिनको लाइट मॉकटेल पसंद है वो ये टेस्ट कर सकते हैं, और ये भी बहुत परफेक्ट है। दोस्तों ये देख सकते हैं बारबेक्यू है यहाँ पे, और इसमें इधर साइड वेज आइटम है और इधर नॉनवेज आइटम है। यहाँ से सीधे गर्मा गर्म आप टेस्ट कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपने कभी ऐसा टेस्ट किया है कि नहीं किया है, कमेंट में बताइए। दोस्तों ये है आपका चिकन पंजाबी, और ये है दाल माखनी, और ये है आपका हांडी पनीर, और ये स्टफ कुलचा, ये प्लेन नान है, और यहाँ पे है गार्लिक नान, और ये दोस्तों देख सकते हैं प्याज का एक नया सब बहुत बढ़िया स्टाइल में। तो अभी हम ये सारा टेस्ट करने वाले हैं। तो फाइन दोस्तों, थाली लग चुका है थाली महल में, तो चलिए टेस्ट करते हैं। और इतना सारा आइटम देख के मुंह में एकदम पानी आ गया, तो टेस्ट करते हैं। और ये आपका गार्लिक नान बताया हूँ, और इसको टेस्ट करते हैं। और ये जा रहा है पहला बाइट, ये देख सकते हैं एकदम लजीज सा। बहुत यम्मी दोस्तों, ये वेज आइटम था। अब एक बाइट में नॉनवेज आइटम का लेके देखता हूँ कि कैसा है, उसको मैं स्टफ कुलचा के साथ टेस्ट करता हूँ। ये नॉनवेज आइटम का बाइट, बहुत यम्मी। तो सारे को टेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं टेस्ट करने के बाद और अच्छे से बात करते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग फूड टेस्ट कर चुके हैं और फूड बहुत ही टेस्टी था, डिलीशियस था, मजा आ गया है। तो आप कब आ रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ये चीज। दोस्तों रेस्टोरेंट का लोकेशन की बात कर ले तो लोकेशन आपको मैं बता दूं कि जो आप अखाड़ा घाट वाला रोड देख सकते हैं
उससे जस्ट थोड़ा सा अखाड़ा घाट पुल से जस्ट थोड़ा सा पहले ही आपको यहाँ पे थाली महल दिख जाएगा फर्स्ट फ्लोर। फाइनली दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, यहाँ का इंटीरियर डिजाइन साथ में फूड और ओवरऑल सबसे बढ़िया आपको क्या लगा वो आप मुझे कमेंट बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।